और ये आज 22 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है। कैंडिडेट एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ गए, तो इनसे रिव्यू लेंगे और जानेंगे कि कैसा पेपर आया है। जी पूछिए, कैसा आया एग्ज़ाम? एग्ज़ाम हिंदी बहुत इजी आई थी, बाकी मैं थोड़ा सही था, मतलब ज़्यादा भी टफ नहीं था, बीच का सा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने की 80। कितने दिनों से तैयारी की थी? मैंने ज़्यादा नहीं की, एक मंथ पढ़ाई की थी बस। अच्छा, और रीजनिंग का लेवल कैसा? मतलब हिंदी तो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी थी, हिंदी इतनी इजी आई थी, मैंने बिना पढ़े पूरे क्वेश्चन कर लिए। और रीजनिंग का लेवल कैसा लगा? पहले तो पढ़े होंगे ना, पहले तैयारी की होगी? कभी नहीं की मैंने, कभी नहीं की। अच्छा, और जीके के क्वेश्चन कैसे लगे? जीके करंट अफेयर्स नहीं आई मुझे, हाँ उसके ज़्यादा 10 क्वेश्चन हुए बस। मैंने कुछ नहीं दिया आज तक, पहला ही पेपर आई है अभी स्टार्ट किया है। हाँ, उसमें मुझे हिंदी सही लगी, हिंदी का कुछ भी मतलब बिल्कुल ऐसे यही मैंने कट मतलब टिकी किए क्वेश्चन याद है क्वेश्चन? हाँ, हिंदी में तो ज़्यादा वर्तनी वगैरह थी और विलोम शब्द थे वो बहुत ईजी थे, जैसे कि सम्मान और भी थे, संतुष्ट और ये सब, ये थे विलोम शब्द वगैरह, मुहावरे थे और वो था मतलब पैराग्राफ था एक, उसमें करके 5-6 क्वेश्चन बना रखे थे, उसमें मतलब सही उसमें स्पेस फिल करना था, ये था। और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग वगैरह थी, मतलब टफ। हाँ, और वो थे फुटबॉल वगैरह, कुछ भी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं ये सब। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। ये क्या होता है, ऐसे तो सही गया, फिर अच्छा हो गया। कितने दिनों से तैयारी की थी? तैयारी की थी? हाँ बिल्कुल। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? ये तो मैंने नहीं देखे, लेकिन हमें अच्छा करेगी पेपर। कौन सा पोर्शन आपको इजी लगा, कौन सा हार्ड लगा? 4 पोर्शन आए थे। अच्छा, हिंदी वाला पोर्शन किया था, इंग्लिश? हिंदी कैसी आई थी? हिंदी बहुत अच्छी आई थी। और मैथ का लेवल कैसा था? मैथ का सही था पर करे आए। रीजनिंग का? हाँ, रीजनिंग का बहुत अच्छा था। ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 80। चलिए, 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। कितने दिनों से तैयारी की थी? मैंने कम से कम इसका, मैं तो SSC GD का नहीं, मैं UPSI की तैयारी कर रहा था, तो जस्ट ये एक दिन पहले मेरा एग्जाम था, अभी मेरा एग्जाम है मेरठ में। UPSI का भी होना? हाँ, UPSI। तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तैयारी मेरी कम से कम 6-7 महीने से चल रही थी, और इस वाले एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो मैंने स्पेशल तो नहीं पढ़ा, बट जो भी मैंने सही तरीके से पढ़ा, 70 के राउंड अटैम्प्ट हुए, मतलब 70 प्लस किए थे। और रीजनिंग एक्यूरेसी होगी आपकी? एक्यूरेसी तो मैंने तुक्के वगैरह का मैंने ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कटते हैं, वही किए हैं जो वही किए जो मुझे लगता था। और दूसरी जो चीज़ जो मुझे डिफरेंस एक यहाँ पे लगा, पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ, जो जनरल उसमें GS था, उसमें करेंट के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा थे, जैसे कुछ बुक्स का नाम था, मुझे नाम नहीं याद, BCCI ने कौन सा अवार्ड दिया है इसको लेके था, और एक जो बैरियर रीफ करके क्वेश्चन था, जो ऑस्ट्रेलिया के था, पैसिफिक ओशियन का पूछा था उन्होंने, कौन सा पोर्ट है जो पैसिफिक ओशियन में नहीं आ रहा कुछ, और राष्ट्रपति के जो पॉलिटी के अंदर से था, जैसे कौन से अनुच्छेद से वो क्षमादान कर सकते, तो 72वां उसका उत्तर था, ये सारे हुए। मैथ का लेवल कैसा था? मैथ का लेवल थोड़ा सा टफ था, रीजनिंग ने थोड़ा सा टाइम कंज्यूम किया। अच्छा, मैथ वाले पोर्शन में? हाँ, एडवांस के कितने क्वेश्चन आए थे एडवांस मैथ के? एडवांस एक्चुअली मैं UPSI से प्रिपेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे उसका उतना पोर्शन नहीं है, बट यहाँ पे जनरली देखा जाए तो सही क्वेश्चन थे, बट नंबर मुझे उतना याद नहीं। चलो, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष आए थे? रीजनिंग में कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट? कथन निष्कर्ष नहीं, एक क्वेश्चन आएगा वो मे बी, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया था केवल, जिसमें मदर्स फादर्स ब्रदर्स कुछ करके था, उसका आंसर ग्रैंड मदर था। सीरीज क्या थे? सीरीज के क्वेश्चन दो थे उसमें, आकृति का एक क्वेश्चन था उसमें, एक राउंड करके एक वो था उसमें, वो पूछा था इसको रोटेट नहीं करना, इसको बताओ कौन से में एमिटेड है, तो वाला भी क्वेश्चन आया था। बोट एंड स्ट्रीम का तो ट्रेन से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में से क्या किया था, कौन सा क्वेश्चन? मैंने हिंदी किया था, हिंदी ऑप्ट किया था, हिंदी काफ़ी अच्छी आई, मतलब मैंने 25 में से मेरे लगभग 23 सही है, मैं कंफर्म हूँ 23 सही जाएंगे। हिंदी में किसी कवि के ऊपर कोई नहीं, कवि का कोई साहित्य पुरस्कार या फिर ऐसा कुछ वगैरह कोई कृति नहीं, नहीं रचनाएं कृति कुछ नहीं, हिंदी में जस्ट वो नॉर्मल वहाँ पे क्वेश्चन थे, जैसे पुस्तक का भी कोई क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन थे, नहीं रस भी नहीं था, अलंकार भी नहीं था,
छंद भी नहीं था, लोकोक्तियां नहीं था, मुहावरे था उसमें, मुहावरे था, पर्यायवाची विलोम था, विलोम अनेकार्थी भी शब्द था, हाँ अनेकार्थी शब्द नहीं थे। और जीएस का देखा जाए तो कैसा, जीएस का देखा जाए तो करंट ओरिएंटेड ज़्यादा था, करंट मतलब स्टैटिक थोड़ा सा कम था वहाँ पे। और जनरली देखा जाए तो यूपीएसआई का मेरा कल एग्जाम है, कल कहाँ, कल है मेरठ में मेरा, मेरठ, हाँ यूपीएसआई की बात की जाए, यूपीएसआई में आपने तैयारी की है, हाँ यूपीएसआई की काफ़ी अच्छी रिव्यू भी देख रहे होंगे, हाँ क्वालिटी की बात की है इसमें, है तो क्वेश्चन क्वालिटी के इसमें वो देखो, ये जो मैंने राष्ट्रपति वाला जो बताया ना क्षमादान की शक्ति, वो पॉलिटी का ये क्वेश्चन है, वो 72वें अनुच्छेद से है, तो ये हाँ आर्टिकल 72 ये वाला भी वो वही था। मैंने अगर मैं जीएस की बात करूँ तो जीएस में मुझे अराउंड मैंने 16-17 के अराउंड किए हैं, टोटल कितने किए, टोटल मैंने 70 किए हैं। चलिए बेस्ट ऑफ, थैंक यू। अभी 22 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम फिनिश हो चुका है, काफ़ी कैंडिडेट से हमने बात की तो काफ़ी कैंडिडेट ने रिव्यू दिए और बहुत अच्छे रिव्यू दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्जाम में जो SSC GD का एग्जाम है इसमें करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा आ रही है, UPSI में नहीं आ रहा है लेकिन SSC GD में काफ़ी आ रहा है। और SSC GD में सबसे ज़्यादा जो ईजी पोर्शन आ रहा है वो हिंदी का आ रहा है, हिंदी में काफ़ी ज़्यादा ईजी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मोस्टली जो आमतौर पर हम जो यूज करते हैं क्वेश्चन जो पढ़े हुए होते हैं 8th standard के, ऐसे क्वेश्चन लगभग बताए जा रहे हैं। और बाकी आप और जो रीजनिंग का लेवल है उसमें स्टेटमेंट वगैरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो काफ़ी सही है। और UPSI का भी हम रिव्यू दे रहे हैं, उसे भी देखिए। और हर एक लेटेस्ट खबर UPSI और SSC GD से सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और तब तक के लिए देखते रहिए Indian News 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।